नमस्कार नाजरीन, स्वागत है आपका चिनाब टीवी में। मैं हूं आपकी मेजबान रिंकू सुमड़िया। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास उर्दू खबरों पे। यूमे जमुरिया की तकरीबत की आत्माई तैयारियों की मुकम्मल ड्रेस रिहर्सल डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन डोडा में की गई, जहां एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डोडा रवि कुमार भारती ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट की पर सलामी ली। अच्छी तरह देखते हैं, उसके बाद दूसरी टुकड़ी जो है एसएसपी सब इंस्पेक्टर कैंटीन कमांडर रहेंगे। तिरंगे के साथ एक साथ मेहमान खुशी को प्रेम को पूछ करने की आज्ञा मांगते हुए तो जमीन आसमान का फर्क हमें दिखेगा और मुबारक की मुस्तैदी के मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा सलामी का गुजरते हुए चौबीस परसेंट को सलामी पेश करते हुए परिडिया मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल। इसके बाद चिनाब पब्लिक हायर स्कूल के साथ और इंतजाम के साथ इसके कारण हम बहुत अच्छे कर रहे थे। चाहे पब्लिक हायर स्कूल डोडा के मेहमान खुसूसी का कौम के नाम आज के दिन पूरे टू सेलिब्रेट इंडिया 73rd रिपब्लिक डे विद फर्वर एंड एंथुसियाज्म। दिस डे इज रेटी ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल एज इट वॉज ऑन दिस डे 1950 दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एनेक्टेड। हियर बाय इंडिया बिकेम ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर एंड ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। The framers of the Constitution, among whom Dr. B.R. Ambedkar occupies a central position as the chairman of the Constituted Drafting Committee, laid down some benchmarks to achieve the peace, progress, and prosperity of the nation. Forces ki jo tukdiyan thi, sabne participate kiya. ये काफ़ी दिनों से इस मौसम के ठंड और बारिश का मद्देनज़र रखते हुए फिर भी सब बच्चों ने और बड़े पूरी टीम्स ने अच्छी तरह पार्टिसिपेट किया। तो रही बात कोविड के बारे में, तो हम कोविड के लिए प्रॉपर प्रिकॉशंस ले रहे हैं। हमने बच्चों की ही पार्टिसिपेशन जो है, क्या परेड में क्या कल्चरल एक्टिविटीज़ में, जो बच्चे वैक्सीनेशन एज ग्रुप में है और ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं, उन्हीं को हमने पार्टिसिपेट किया है। फोर्सेज के लोग तो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं जो परेड में थे। तो दूसरा, मास्क के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, इवन हमारा सैनिटाइजर्स वगैरह हमने अरेंजमेंट सारा करके रखा था ताकि प्रॉपर प्रिकॉशन ली जाए। हम देख रहे हैं, अगर होपफुली मौसम, जैसे मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि 26 को तो मौसम क्लियर बता रहे हैं, अगर तो क्लियर हुआ और रोड की इसकी ग्राउंड की कंडीशन अच्छी हुई तो प्रेफरेबली हम वहीं करेंगे। इन केस कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस बने कि वहां हम नहीं कर पाए तो हमारे DPL की ग्राउंड अच्छी है, हम यहां करेंगे। पुलिस ने पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है उसका अल्टरनेटिव। हरी चीज़ में हमारी तरफ से पूरी इंस्ट्रक्शंस हैं लोगों को लिए भी, अपनी प्रिकॉशंस लें। रही बात के रोड की कनेक्टिविटी या कोई और ऐसा इशू है तो उसके लिए हमारे जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट, रोड्स PWD डिपार्टमेंट, PMGSY डिपार्टमेंट सारे काम में लगे हैं और कोशिश कर रहे हैं सारे के जल्दी से जल्दी प्रायोरिटी पे रोड्स को क्लियर किया जाए।
जिला किश्तवाड़ में यूमे जमहूरिया 2022 की तकरीबात के सिलसिले में फुल ड्रेस रिहर्सल RDC ऑफिस किश्तवाड़ में मुनाकिद हुई, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ श्यामलाल ने तिरंगा लहराया और मास्क पास की सलामी ली। ये प्रोग्राम COVID-19 के मुनासिब रवैये की पाबंदी के साथ मुनाकिद किया गया। अगुवाई कर रहे हैं और एक और टुकड़ी IRP सब इंस्पेक्टर शेख आसिफ की क्यादत में यह टुकड़ी सलामी मंच के आगे से गुजर रही है और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त कर रही है। और यह देखिए सब इंस्पेक्टर विक्रम कटोच की क्यादत में सलामी मंच के आगे से गुजर रही थी ये टुकड़ी और उसके बाद एक और टुकड़ी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स की टुकड़ी सलामी मंच के सामने से गुजर रही है। और आज के कार्यक्रम में जो गणतंत्र दिवस समारोह का फुल ड्रेस कार्यक्रम है उसमें भाग ले रही है ये टुकड़ी। और ये टुकड़ी देखिए होम गार्ड की टुकड़ी सलामी मंच के आगे से गुजर रही है। और ये टुकड़ी देखिए NCC गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ ये टुकड़ी भी इस परेड में भाग ले रही है। और देखिए किस जोश के साथ लड़कियों के तालीम के बारे में बेदारी फैलाने और लड़कियों को घर और इनके काम की जगह के मौके फराहम करने के लिए सरकारी अहलकारों के जरिए जिला रामबन में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया गया। महकमा समाजी बहबूद ICDS और दीगर मुख्तलिफ महकमों की तरह से एक तकरीब का इनेकाद भी किया गया, जिसमें रामबन के मुख्तलिफ स्कूलों की लड़कियों की जानब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मौजू पर तारीखी लेक्चर दिया गया। तो पेश है रामबन से ताहिर मुश्ताक की ये रिपोर्ट। इसीलिए जो है जागरूकता का दिन आज जो है मनाया जाता है, इसलिए मैंने पहले कहा था हैप्पी गर्ल चाइल्ड डे 2022। इफ यू इन्वेस्ट अ गर्ल शी फेड्स हरसेल्फ एजुकेट्स फ्यूचर चिल्ड्रन लिफ्ट्स अप हर कम्युनिटी एंड हर नेशन। विद दिस थॉट आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन ऑन टुडेज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेशन। क्या रब ने अता अला मकाम उससे वाह बहशत की सरदार है बेटी। कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ ट्रूली गर्ल्स आर द पिलर ऑफ आवर सोसाइटी। नाउअडेज वुमेन आर वर्किंग इन द आउटसाइड फील्ड बाय बीइंग मीठी सी मुस्कान है बेटी, मीठी सी मुस्कान है बेटी, ये सच है कि मेहमान है बेटी। अचान मले जली डोमेस्टिक की अब बेटियों को पूरा मौका दिया जाता है कि उनको आगे उनको ग्रो करने का मौका दिया जाए, हर फील्ड में उनको ग्रो करने का मौका दिया। ये नहीं है कि इस पे हमें कोई शक नहीं है कि बेटियों की एबिलिटी है या नहीं है। आज हमने डिस्ट्रिक्ट रामबन हेडक्वार्टर पे नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया। ये जो प्रोग्राम हमने मनाया कोविड रिस्ट्रिक्शन की वजह से बहुत कम लोगों को यहाँ पर बुलाया गया था। जो कोविड प्रोटोकॉल्स का खास ख्याल रखा गया, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह भी पहन के थे, तो इस वजह से हमें ये प्रोग्राम थोड़ा छोटे स्तर पे किया। पूरे डिस्ट्रिक्ट में हर जगह मनाया गया, लेकिन हमारा मेन फंक्शन जो यहाँ पर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रामबन में हुआ, जिसमें हमने नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया और बहुत बच्चियों ने अपनी अपनी तरफ से जो जागरूकता है उसके बारे में बताया कि हमारे समाज में जो बुराइयां हैं बेटी के खिलाफ उनको हटाया जाए, बेटी को पढ़ाया जाए, बेटी का खास ख्याल रखा जाए और बेटियों को मौका दिया जाए हर फील्ड में आगे बढ़ने का। तो इसी सिलसिले में हमने एक यहाँ प्रोग्राम मुनक़द किया था, जिसमें बहुत से पार्टिसिपेंट्स ने अपनी अपनी बात रखी। बाकी जो हमारे ब्लॉक हेडक्वार्टर्स हैं उन पे भी फंक्शंस हो रहे हैं, तो इस उपलक्ष्य में हम यहाँ जमा हुए थे।
पूरे देश के अंदर जहां 26 जनवरी की तैयारियां बड़े जोरों शोर से की जा रही है, वहीं जिला डोडा के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कई जगह नाके लगाए गए और जगह जगह गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है ताकि किसी भी तरह की कोई ऐसी हरकत ना हो जिससे लोगों के अंदर दहशत पैदा हो जाए। वहीं कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए मास्क चलानिंग भी की जा रही है ताकि लोग मास्क पहन के रखें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। तो पेश है डोडा से परवेश भट्ट की ये रिपोर्ट। अलियास बानियाली ने जिला रामबन के जून बानियाल में नेशनल हाईवे की बरवक तकमील में शदीद तश्वीश का इजहार किया। चमलवास बानियाल में 4 लेन प्रोजेक्ट की तकमील के बाद लैंडस्लाइड और डबने की वजह से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। मिस्टर आईवानी ने हालिया शदीद बर्फबारी की वजह से मुतासिर होने वाली बिजली के ढांचे, पानी की फ्रेमी और लिंक सड़कों की बरवक बहाली का मुतालबा किया। तो पेश है बानियाल से मेहरानवानी की ये रिपोर्ट। जहाँ तक जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का ताल्लुक है, मैं मानता हूँ कि जब से इस 4 गलियारी वाली सड़क पे काम चला है, इसमें टोटल इंजीनियरिंग फेलियर है। साल 2016 में जबकि काम शुरू किया गया, पहले SCC हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी को ये काम दिया गया, उसके बाद तब से लेकर आज तक जो बंदर बांट इस कौमी शहरा के ऊपर चल रहा है, वो यहाँ के लोगों के लिए, इस शहरा पे सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए और ड्राइवरों के लिए दर्द सर बना हुआ है। आप आए रोज़ देखते हैं कि हादसात की सबसे बड़ी वजह है कि जो ये इन्होंने हाईवे खोद के रखा है और इसके ऊपर जो सुस्त रफ्तारी से काम चल रहा है, इसकी वजह से हादसात भी होते हैं और इसकी वजह से ही यहाँ पर लोगों को मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। ये बहुत ही बदकिस्मती का मकाम है कि 75 साल आज़ादी के गुजर जाने के बाद हम एक कौमी शहरा नहीं बना सकते हैं। जहां सरकारें ये दावा करती आ रही है कि हम जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की का इनकलाब ला रहे हैं, उसकी खोखली मिसाल जो है उसका पर्दा इस शहरा से जो है फाश हो जाता है। मैं आज आप मीडिया की वसादत से यहां की सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि इसको वार फुट बेसिस पे काम लगाया जाना चाहिए और जो कंपनियों की आपसी खींचातानी है उसको दूर करके इसमें टाइम बाउंड टाइम पे इसको कंप्लीट किया जाना चाहिए। चाहे इसमें टनलिंग का मसला है, चाहे जो ब्रिजेस का मसला है और खासकर जो अब इन्हीं खबरों के साथ मुझे दीजिए इजाजत और जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए चनाब TV के साथ। नमस्कार।